हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ स्लैश लोगो के बारे में। तो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि किस प्रकार का स्लैश लोगो बनता है, उसका फेस रिवील होता है, मतलब अपने लोगो का। तो उस प्रकार का लोगो आप बना सकते हैं कार्ड मास्टर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर 16:9 का डिजिट लेना है यहाँ पर इस प्रकार। और यहाँ पर आपको मीडिया में जाकर आपको यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड लेना है इस प्रकार। और ब्लैक बैकग्राउंड लेने के बाद में आपको इसे थोड़ा बहुत बड़ा कर लेना है इस प्रकार। और यहाँ पर आपको सही कर देना है। सही पर क्लिक करके आपको यहाँ पर वापस लेयर में जाना है। लेयर में से आपको यहाँ पर एक वीडियो आपको जो मतलब स्लैश लोगो का रिवील करना है उसको आपको यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। और ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जहाँ पर इसका फुल स्क्रीन हो जाएगा इस प्रकार। इसे फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद में इस प्रकार ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक और वीडियो ऐड करना है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सभी मटेरियल के लिंक दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इसको भी आपको फुल स्क्रीन कर लेना है इस प्रकार। और इस प्रकार करने के बाद में आपको क्या करना है कि इसके बाद में आपको जो यहां पर वो लाइन आपको जहां से स्टार्ट हो रही है जहां तक, मतलब आपको इस वाले नहीं ऊपर वाले जो इसकी जो लाइन आपको स्टार्ट हो रही है कहाँ तक, वहाँ तक आपको वीडियो को क्रॉप करना है, मतलब उसका आगे का पार्ट आपको हटा देना है। मैं देखता हूँ दोस्तों कहाँ तक आप दिख रही हो। तो दोस्तों यहाँ तक इसका अगला पार्ट हम हटा देते हैं इस प्रकार। और इसको आगे ले जाते हैं इस प्रकार। यहाँ पर आपको क्या करना है कि नीचे लगाए हुए वीडियो को, मतलब जिसने आप लगाया नीचे लोगो रिवल को, आपको यहाँ पर इस प्रकार ऐड कर देना है जिस प्रकार है, इस प्रकार दिखेगा आपको, मतलब इस प्रकार आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सिंपली ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्या करना है कि नीचे जाना है। नीचे जाकर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख गया होगा यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर इसे स्क्रीन कर देना है आपको इस प्रकार। स्क्रीन करने के बाद में आपको यहाँ पर बैक आना है। फिर आपको नीचे लोगो रिवल दिख गया होगा, यहाँ पर आपको वापस ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पर ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाकर आपको यहाँ पर मल्टीप्ले करना है इस प्रकार। इस प्रकार करने के बाद में दोस्तों आपको सामने कुछ इस प्रकार का बन जाएगा ये इस प्रकार का। और इस प्रकार के बनने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपना लोगो ऐड करना है, जो आपके पास कहाँ पर अपना लोगो है वो ऐड करना है। तो मैं चलिए अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपने लोगो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख गए होंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको क्लिक करना है बैक पर, सेंड टू बैक। यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको लोगो को पीछे भेज देना है इस प्रकार। और इस प्रकार भेजने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये स्लैश लोगो बन जाएगा। चलिए हम आपको मैं थोड़ा बहुत चलाकर दिखाता हूँ इस प्रकार। इस प्रकार का बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कुछ और एडिट करना है। क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपको यहाँ से हटा देना है का एक्स्ट्रा पार्ट आपको यहाँ से ट्रिम टू राइट टू प्लेड कर देना है। और इसको भी यहाँ से ट्रिम टू राइट टू प्लेड यहाँ पर करके इसे सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ से भी आपको इसको क्रॉप कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको भी आपको वाइट को थोड़ा बहुत क्रॉप कर देना है इस प्रकार। और यहाँ पर आपको लोगों को यहाँ पर आपको एक आउट एनिमेशन देना है जो फेड, यहाँ पर आप इसे थोड़ा बहुत धीरे कर सकते हो इस प्रकार। और इस प्रकार आपका लोगो बनकर, मतलब आपका स्लैश लोगो बनकर, इंट्रो बनकर तैयार हो गया है। आपको मैं फिर से चलाकर बताता हूँ।
अगर आप थोड़ा बहुत इसे और एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत लोगों को आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हो अपने अनुसार। और आपको क्या करना है, अब सिंपली आपको यहाँ पर शेयर के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप इसे कोई सी भी क्वालिटी में मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने अनुसार। तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इसे फुल HD में 1440p में एक्सपोर्ट। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो में आप तक पहुंचाता रहूँगा। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तब तक के लिए वीडियो में मिलता हूँ अगले वीडियो में। सो बाय बाय।